नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ संतान प्राप्ति का बहुत ही सर्वश्रेष्ठ और अचूक उपाय, जो कि हमारे शास्त्रों में वर्णित है। और हमारे शास्त्रों में दोस्तों, ऋषि मुनियों ने हमारे जीवन में आने वाली जो परेशानियाँ हैं, जो बाधाएँ हैं, उसके लिए अनेकों मंत्र दे रखे हैं। अगर हम उन मंत्रों का सही विधि विधान से पालन करते हुए, नियमों का और जाप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो हमारे जीवन में जो भी परेशानियां हैं, उन परेशानियों का बहुत ही आसानी से निवारण हो जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि संतान गोपाल मंत्र के नियम पूर्वक जाप करने से पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। और जिन दंपतियों के कोई संतान नहीं है, कई साल हो गए हैं उनकी शादी को और अभी तक उनकी संतान की इच्छा पूरी नहीं हुई, कई लोगों को तो 10-10 साल हो जाते हैं, 5 साल हो जाते हैं, 10 साल हो जाते हैं, और वो लगातार इलाज करा रहे होते हैं, डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं, ज्योतिषियों के पास जा रहे होते हैं, पंडितों के पास जा रहे होते हैं, और उनकी कोई संतान, जो संतान की जो इच्छा है, वो पूरी नहीं हो रही होती है, बाधा दूर नहीं हो रही होती है। तो ऐसे में जो संतान गोपाल मंत्र है, वो संतान प्राप्ति में आने वाली सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करता है, और इस मंत्र के प्रभाव से निश्चित ही संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ संतान गोपाल मंत्र का जाप कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, कब शुरू करना चाहिए, और कितनी संख्या में जप करने से इस मंत्र का प्रभाव मिलने लगता है, इस मंत्र के जाप के दौरान क्या सावधानियां रखनी चाहिए, कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और जिसे भी इसकी ज़रूरत है उसको ज़रूर ये वीडियो शेयर करें। आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, कई बार संतान प्राप्ति में बहुत देर हो जाती है, लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, कई बार तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी संतान में देरी क्यों होती है। कुछ ऐसे दंपत्ति हैं जिनकी संतान तो है लेकिन कन्या संतान है और पुत्र की इच्छा रखते हैं, तो संतान गोपाल का मंत्र जो है, इसका जाप अगर आप नियम पूर्वक करते हैं तो संतान प्राप्ति में आ रही सभी बाधाएं दूर होती हैं, मन वांछित संतान की प्राप्ति होती है, और इस मंत्र के प्रभाव से होने वाली संतान जो होती है वो दीर्घायु होती है, स्वस्थ होती है, तेजस्वी, यशस्वी और बहुत बुद्धिमान होती है, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि होती है इस मंत्र के प्रभाव से जो संतान होती है उसकी। लेकिन इस मंत्र के जाप के दौरान दोस्तों, कुछ बहुत ज़रूरी नियम होते हैं जिनका पालन बहुत ज़रूरी है करना, तभी इस मंत्र का आपको शुभ फल प्राप्त होता है। तो उन सभी नियमों के बारे में बात करने से पहले जानते हैं इस मंत्र के जाप की विधि क्या है। दोस्तों, सबसे पहले जिस दिन से आपको मंत्र जाप करना है, उस दिन सबसे पहले सूर्योदय से पूर्व उठें, उठकर स्नान करें, और स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। सूर्यदेव को जो जल अर्पित करते हैं आप, उस वो तांबे के लोटे में आपको जल लेना है, उसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा रोली डालकर भगवान सूर्यदेव को जल दें। दोस्तों, जिनकी संतान नहीं होती है या जिनको पुत्र संतान की कामना होती है, उन्हें जल के अंदर हल्दी और रोली डालकर भगवान सूर्यदेव को जल देना चाहिए। इससे संतान प्राप्ति में जो बाधा आ रही होती है वो दूर हो जाती है। चाहे तो आप हल्दी भी डाल सकते हैं, चाहे तो हल्दी और रोली दोनों डाल सकते हैं। उसके बाद आप अपने घर के ईशान कोण में भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की मूर्ति या चित्र एक लकड़ी की चौकी पर स्थापित करें। लकड़ी पर आप पीले रंग का, जो चौकी आप बिछाएंगे उस चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछा दें, और उसके बाद सबसे पहले गणेश जी का चित्र या मूर्ति, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, वो स्थापित करें, और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की मूर्ति स्थापित करें। दोस्तों, एक शुद्ध घी का दीपक जलाना है सबसे पहले, और एक तांबे के पात्र में जल रखना है वहाँ पर। आसन बिछाकर वहाँ पर बैठ जाएं आप, और सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें। गणेश जी का पूजन सबसे पहले किया जाता है किसी भी पूजा से पहले, ताकि पूजा में आपके जो भी आप अनुष्ठान कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, उसमें कोई विघ्न बाधा ना आए। इसके लिए सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें, उन्हें भोग लगाएं आप, दुर्वा अर्पित करें हल्दी से और धूप दीप नैवेद्य से गणेश जी का पूजन करें। गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें और उनको लड्डू अर्पित करें। उसके बाद आप बाल गोपाल श्री कृष्ण की पूजा करें, पुष्प अर्पित करें, धूप दीप नैवेद्य से बाल गोपाल की पूजा करें, और भगवान श्री कृष्ण को माखन और मिश्री का भोग लगाएं, उसमें तुलसी दल जरूर डालें।
पीले फूल भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय हैं, इसलिए पीले फूल भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें। और इस तरह से पूजन के बाद आप अपने हाथ में पुष्प लें, दाहिने हाथ में पुष्प लेना है आपको, जल लेना है और संकल्प लें कि आप पुत्र की प्राप्ति के लिए या संतान प्राप्ति के लिए संतान गोपाल मंत्र का जाप कर रहे हैं। कितनी संख्या में और कितना मंत्र आप प्रतिदिन जाप करेंगे ये भी आप संकल्प लें। और मंत्र जाप के दौरान अगर आपसे कोई भूल चूक हो जाए, कोई भी गलती हो जाए, तो उसके लिए भगवान से पहले से ही क्षमा प्रार्थना कर लें कि अगर कोई भूल चूक हो जाए तो भगवान आपको क्षमा करें और आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण करें। इस तरह से संकल्प लें और आप मंत्र के जाप की शुरुआत करें। मंत्र है, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्णम त्वामहम शरणम गतः। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। इस मंत्र को आपको जप करना है प्रतिदिन, जितनी भी मात्रा आप डिसाइड करते हैं, निश्चित करते हैं, उतनी मात्रा में आपको प्रतिदिन जाप करना है। दोस्तों अब जानते हैं इस मंत्र के जाप में क्या नियम और क्या सावधानियां हैं। इस मंत्र का 1,25,000 जाप करने से दोस्तों मंत्र का प्रभाव मिलने लग जाता है। इस मंत्र को कम से कम 1,25,000 जाप जरूर करना चाहिए। इसके लिए आप प्रतिदिन की जप संख्या निर्धारित कर लें कि जितना आप जप करने में समर्थ हैं प्रतिदिन, और जितनी जल्दी आप इस मंत्र को जप करना चाहते हैं उसके अनुसार आप प्रतिदिन की जप संख्या निर्धारित करें। मंत्र संख्या जो है आपको प्रतिदिन एक ही रखनी है। जैसे आपने आज 11 माला जाप किया है तो कल भी आपको और प्रतिदिन जितने दिन तक आपको करना है 11 माला का ही जाप करना है। दूसरा नियम है कि आप समय निश्चित कर लें। जैसे आप प्रतिदिन जो भी समय आपके पास हो, सुबह का समय एक ही समय पर, जैसे अगर आप सुबह 6 बजे जप कर रहे हैं तो आप प्रतिदिन 6 बजे ही जप करेंगे। ये नहीं कि आज 6 बजे किया तो कल 8 बजे करेंगे। जप की संख्या और जप का समय निर्धारित होना चाहिए आपका। इसके समय में और इसकी संख्या में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। दोस्तों आप प्रतिदिन एक ही स्थान पर बैठकर इस मंत्र का जाप करें और आपका मुख जप करते समय पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। जाप के लिए आप पीले रंग का आसन प्रयोग करें और पीले वस्त्र ही धारण करना है आपको मंत्र जाप के दौरान। दोस्तों जाप के लिए आप तुलसी या रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं। दोनों में से कोई सी भी माला आपके पास जो भी उपलब्ध हो उस माला को आप इस जाप के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और जितने दिनों तक यह मंत्र जाप चलेगा, जितने दिनों तक आप इस मंत्र का जाप कर रहे हैं, आपको सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है। सात्विक का मतलब होता है आपके भोजन में लहसुन और प्याज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सात्विक और शुद्ध भोजन आपका होना चाहिए इस पूजा के दौरान, जितने दिनों तक आपका ये मंत्र जाप चलता है। मांस मदिरा का सेवन भूल से भी इस पूजा के दौरान आपको नहीं करना है। पति पत्नी दोनों आप एक साथ मिलकर भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोनों अगर एक साथ करते हैं तो बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होगी। पर अगर ऐसा संभव नहीं है तो पति पत्नी में से कोई एक भी इस जप को कर सकता है। और आप चाहें तो इस मंत्र का अनुष्ठान किसी योग्य ब्राह्मण से भी करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप स्वयं जाप कर रहे हैं तो जिस दिन जप संख्या 1,25,000 हो जाए, जिस दिन आपकी जप संख्या पूरी हो जाए, उस दिन आप किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर उनसे दशांश हवन कराएं और कम से कम 5 ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उन्हें दान दक्षिणा दें, उन्हें वस्त्र दें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इस पूजा की शुरुआत आप कर सकते हैं सोमवार को, गुरुवार को या शुक्रवार को। किसी भी शुभ दिन को इस पूजा की शुरुआत आप कर सकते हैं और किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से ही इसकी शुरुआत करनी चाहिए। दोस्तों अब जानते हैं इस पूजा का सबसे जरूरी नियम क्या है। जब आप भगवान की शरण में आए हैं तो आपके मन में कोई भी संशय नहीं होना चाहिए। पूर्ण विश्वास होना चाहिए आपको कि आपकी मनोकामना जो है वो भगवान जरूर पूरी करेंगे और आपको भगवान श्री कृष्ण की तरह ही पुत्र की प्राप्ति होगी। और पूरी तरह से समर्पित होकर आपको भगवान श्री कृष्ण के इस बाल गोपाल रूप की पूजा करनी है और इस मंत्र का जाप करना है। तो आपको आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होती है और आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों प्रतिदिन आपको तुलसी के पेड़ के नीचे आपको शुद्ध घी का दीपक जलाना है। इस दौरान जब तक आपको संतान नहीं होती है या हमेशा ही तुलसी के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, चाहे वो संतान से संबंधित हो और या फिर आपके धन से संबंधित हो। तो प्रतिदिन आप तुलसी के पेड़ की पूजा जरूर करें और संडे के दिन आपको तुलसी के पेड़ में ना तो जल देना है और ना ही आपको दीपक जलाना है वहां पर। बाकी के सभी दिन आप नियमित रूप से तुलसी की पूजा करें और केले के पेड़ में आपको
बृहस्पतिवार के दिन जल अर्पित करना है हल्दी डालकर। जल में हल्दी डाल लें और उसे केले के पेड़ में अर्पित करें। दोस्तों, इस तरह से आप नियम पूर्वक अगर ये उपाय करते हैं, इस मंत्र का जाप और अनुष्ठान करते हैं, तो आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होती है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर दें और शेयर कर दें इसे ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम कनेक्टेड रह सकें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको मिले। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में किसी नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योर